सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बसरस। आज मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं बसरस में। और आज मैं रकाबगंज के गुरुद्वारे आया हूं, जो कि बिल्कुल संसद भवन के नज़दीक है और बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उस दिन मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था, मैं सुबह सुबह 6 बजे आया था दर्शन करने के लिए और साथ में कवर करने के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी ले चलते हैं, क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा वीडियोस है, ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और तो मैं बता देता हूँ कि संसद भवन के नज़दीक बने गुरुद्वारे रकाबगंज का निर्माण सन 83 में हुआ था। इस गुरुद्वारे को तैयार करने में लगभग 12 वर्षों का समय लगा था। इस गुरुद्वारे बनाने की इजाज़त उस वक्त मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने दी थी। इसी गुरुद्वारे में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी हुआ था। औरंगजेब उस वक्त सबको जबरन इस्लाम कबूल करवा रहा था, तो उसने गुरु तेग बहादुर जी को भी इस्लाम कबूल करने के लिए गया, जिस गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया था उस टाइम। इस कारण औरंगजेब ने साल 1975 में दिल्ली में चांदनी चौक पर क्रूरता से उनका सर कटवा दिया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, थोड़ा सा स्टोरी बताते चलें तो अच्छा रहता है। और ये वहाँ पे एक छोटा सा कुएं की तरह बना हुआ था, तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। ये देखिए, बाहर से बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो रहा था और बड़ा प्यारा नज़ारा था, और शब्द भी बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं सुबह सुबह गया। और जब भी आप जाएँ तो सुबह जाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, रात में और सुबह का बहुत अच्छा आनंददायक प्रोग्राम होता है। और ये देखिए, यहाँ से अभी आप अंदर बैठे हैं, यहीं पे मैं साइड में बैठ के ही थोड़ा थोड़ा क्लिप ले सका, क्योंकि आपको भी पता है कि गुरुद्वारे में क्लिप लेना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप ले ली अंदर के। ये देखिए, बहुत अच्छा शब्द चल रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, मज़ा आया, बहुत आनंद आ रहा था बैठने में, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबका क्लिप बनाने की कोशिश करी है, ऐसे देख सकते हैं। और ये मैं फिर ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे गया गुरु ग्रंथ साहिब जी, हमारे यहाँ का पाठ चलता रहता है, और ये वहीं से मैंने फर्स्ट फ्लोर पे ही थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेने की कोशिश करी। और ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया गुरु ग्रंथ साहिब जी का, ये देखिए बड़ा प्यारा शॉट लग रहा था तो मैंने ले लिया। और ये देखिए ग्रीनिश वहाँ की, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ आपको आना चाहिए, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। और ज़्यादा बड़ा मेरा वीडियो नहीं है, छोटा मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, और ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको आना चाहिए, मैं हिस्टोरिकल प्लेस पे ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ, रिलीजन प्लेसेस पे, सो दैट्स व्हाई आई अपलोडेड दिस वीडियो। सो देखिए, यहाँ से बड़ा प्यारा, बड़ा आनंददायक मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको आर्ट और कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। सामने झूठी घर है, ये हमारा निशान साहब, ये मैंने बीच में एक छोटा सा अपना क्लिप भी ले लिया था। और ये देखिए यहाँ से, सो ये मेरा एक छोटा सा क्लिप था दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बनाना। सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करते हुए, बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत खूबसूरत मौसम था, सो दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नए क्लिप के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।